नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति पूजा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बटर चिकन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए हम बटर चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छे से धोकर क्लीन कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैं इसमें सबसे पहले 2-3 टेबलस्पून दही डाल देती हूँ। दही की जगह पर आप 2-3 टेबलस्पून नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे छोटे बर्तन में ट्रांसफर कर लेती हूँ जिससे फ्रिज में ये ज़्यादा जगह ना ले। अब मैं इसे कवर कर लेती हूँ। मैंने इसे कवर करने के लिए ये प्लास्टिक रैप यूज़ किया है। आप चाहो तो एल्युमिनियम फॉयल या किसी भी ढक्कन से कवर कर सकते हो। कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 10 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। मैरिनेट करने से चिकन नरम तो हो ही जाता है, साथ ही साथ सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, जिससे चिकन सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। मैं इसे 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए रखूंगी। जब तक चिकन मैरिनेट होता है हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े प्याज लिए थे जिसे मैंने रफली मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 15 से 20 काजू, 1 हरी मिर्च, आप हरी मिर्च की जगह पर सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अदरक के मैंने यहाँ पर 2 टुकड़े लिए हैं और 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब एक कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल गरम हो गया है, अब प्याज डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। अब हरी मिर्च डाल देते हैं, लहसुन, अदरक और काजू भी डाल देते हैं, भून लेंगे, ढक देते हैं। इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें हल्का भूरा होने तक भून लेना है। लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये अब हल्का भूरा हो गया है, तो अब हम टमाटर ऐड कर देते हैं। इसे भी मैंने रफली मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया था। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे ढक देती हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है। इसी तरह ढक ढक कर बीच बीच में चलाते हुए टमाटर के गलने तक पका लेना है। लगभग 7 मिनट हो गए हैं और अब टमाटर गलने लगा है, तो अब गैस बंद कर देते हैं और अब इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो गया है और ये अब बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैं इसे मिक्सी की जार में डाल देती हूँ। चिकन का टेस्ट और भी अधिक बढ़ाने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ। इसे पीस लेते हैं। मैंने इसे पीस कर ये बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें सूखा मसाला ऐड कर देती हूँ, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें।
दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर। 2 घंटे हो गए हैं और अब मैंने चिकन को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसका कवर निकाल देती हूँ। ये मैंने जिस कढ़ाई में ग्रेवी की सामग्री तैयार की थी वापस उसे ही काम में ले रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। क्योंकि हम बटर चिकन बना रहे हैं इसलिए मैं इसमें 1 छोटा टुकड़ा बटर का डाल देती हूँ। आप चाहें तो तेल ना डालकर केवल बटर यूज कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो गया है तो अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। इसे एक बार अच्छे से चला देंगे। अब मैं इसे ढक देती हूँ। चिकन को हमें 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि ये 75% तक पक ना जाए, इसी तरह से ढक कर धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते हुए पका लेना है। तो इसे मैं दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि जब तक ये पकता है तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। जब तक ये गर्म होता है मैं एक बार चिकन को चला देती हूँ। अब इसे ढक देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है। 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और इसके साथ साथ मैं 1 बटर का टुकड़ा डाल देती हूँ। आप चाहें तो केवल बटर यूज कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देती हूँ। तेज पत्ता डाल देते हैं। हींग डाल देते हैं। अब पिसा हुआ मसाला डाल देते हैं। इसमें हमने पहले से ही ड्राई मसाले डाल दिए थे तो अब मसाले को अच्छे से चला देंगे। हम इसे लो फ्लेम पर तब तक भून लेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लग जाए। मसाला तेल छोड़ने लगा है, ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने मिक्सी की जार में जो मसाले लगे थे उसे ही क्लीन करके वही पानी ऐड किया है ताकि मसाला वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड किया है। मसाले को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी ग्रेवी रेडी है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और अब हम चिकन देख लेते हैं। इसे पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है। ये 75% सॉफ्ट हो गया है। बाकी का 25% हम इसे ग्रेवी के साथ पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी छोड़ा है, इसलिए मैंने ग्रेवी में केवल 1/2 कप ही पानी ऐड किया था। मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैंने वापस ग्रेवी वाली फ्लेम ऑन कर ली है और इसे मैंने लो फ्लेम ही रखा है। अब मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देती हूँ। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है और चिकन भी रेडी हो गया है। तो अब मैं ग्रेवी में चिकन ऐड कर देती हूँ। चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ग्रेवी पतली या गाढ़ी जैसी भी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। तब तक हम चिकन में डालने के लिए चिकन मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एवरेस्ट का चिकन मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून चिकन मसाले में 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। 5 मिनट हो गया है, एक बार चला लेंगे।
अब मैं इसमें ये चिकन मसाला ऐड कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वापस एक मिनट के लिए ढक देंगे ताकि चिकन मसाले का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। एक मिनट हो गया है, मैं ढक्कन हटा देती हूँ। अब मैं इसमें आधा टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वापस एक मिनट के लिए ढक देंगे ताकि गरम मसाले का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। एक मिनट हो गया है, ढक्कन खोलकर एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसमें एक टेबलस्पून टमाटो सॉस ऐड कर देती हूँ। टमाटो सॉस डालने से चिकन का कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बटर चिकन रेडी है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब लास्ट में मैं इसमें एक छोटा टुकड़ा बटर का डाल देती हूँ ताकि हमारे बटर चिकन में से बटर का टेस्ट आए। अब मैं इसमें बारीक कटा हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी बना है और इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसे रोटी और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें और इस रेसिपी को लेकर अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।